ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भ्रष्टाचार की नींव पर बन रही सतवन पोका लिंक सड़क मार्ग ने विभाग की कमीशन खोरी की पोल खोल दी है। विभागीय कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों की लापरवाही, अनदेखी और सरेआम घटिया सामग्री इस्तेमाल करने पर विभाग के खिलाफ ही सवाल या निशान लग रहे हैं। सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और सड़क की लंबाई लगभग 14 किलोमीटर है और जिस पर 7 करोड़ की राशि खर्च होनी है। आधा दर्जन से अधिक ग्रामीणों को इसका फायदा होने वाला है, लेकिन सड़क निर्माण में ऐसी घटिया सामग्री इस्तेमाल की जा रही है तो लोग परेशान होंगे ही। प्रदेश सरकार भले ही भ्रष्टाचार रोकने के खूब दावे कर रही है, लेकिन सरकारी विभागों के अधिकारी ठेकेदारों से मिलकर खुलेआम इन प्रयासों को ठेंगा दिखा रहे हैं। सतवन पोका सड़क का निर्माण का कार्य काफी समय पहले शुरू हो चुका था और इसकी कुल लंबाई 14 किलोमीटर की थी और इसमें लगभग 7 करोड़ की राशि खर्च होनी थी। आधा दर्जन से अधिक ग्रामीण इस सड़क का फायदा ले सकते थे। यही नहीं, यहाँ के प्रसिद्ध बहारा क्षेत्र मंदिर में हजारों की तादाद में श्रद्धालु भी आते हैं, पर सड़क निर्माण ऐसे घटिया सामग्री से किया जा रहा है कि सभी को परेशानी झेलनी पड़ रही है। सतवन पोका सड़क के निर्माण में ग्रामीणों ने घटिया सामग्री के इस्तेमाल के आरोप लगाए हैं। मुनाफे के चक्कर में घटिया माल का उपयोग करने के आरोप लगाए गए हैं। घटिया निर्माण को लेकर लोगों में आक्रोश है। सड़क निर्माण के दौरान उच्च अधिकारियों द्वारा सड़क निर्माण की एक बार भी जांच नहीं की गई, जिसका ठेकेदार अपनी मनमर्जी से सड़क के निर्माण का काम कर रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि कई महीने पहले सड़क का निर्माण शुरू हुआ था। ठेकेदार द्वारा समय से पहले सड़क को खोद दिया गया। लोगों को इस मार्ग से निकलने में परेशानी भी हुई। लंबे इंतजार के बाद पोका पंचायत रोड बनाने का काम तो शुरू हुआ, लेकिन निर्माण से पूर्व ही सड़क उखड़ गई। अगर ऐसी सामग्री का उपयोग किया गया है तो सड़क एक महीने भी नहीं चलेगी। काम किया जा रहा है वो बिल्कुल भी सिस्टमेटिकली तरीके से नहीं किया जा रहा है। इस रोड पे लगने वाला जो मटेरियल है, पत्थर है, क्रेशर है, वो बिल्कुल ही लो क्वालिटी का इस रोड पे बिछाया जा रहा है। इस रोड पे कई बार हम ठेकेदार को, लेबर वालों को तो क्या बोलना, लेकिन ठेकेदारों को भी हम बोल चुके हैं कि भैया ये जो रोड़ी इस रोड पे उखड़ रही है बार बार, जिससे बाइक सवार और गाड़ी सवार जो आते हैं इस रोड पे, उनको आने जाने की बड़ी परेशानी हो रही है। 4-5 दिन पहले हमारे जीएचएस पोका के हेडमास्टर साहब इस रोड़ी की वजह से उनकी बाइक स्किट हुई और वो अपनी टांग तुड़वा चुके हैं। तो ऐसी घटनाएं और आने वाले समय में भी हो सकती है। तो इनको हमने पता नहीं 10 बार या 15 बार लड़ झगड़ करके इनसे बोला, लेकिन इनके कान में जू तक नहीं रही थी। तो हमारा डिपार्टमेंट से अनुरोध है, जो भी अधिकारी है इसके बड़े बड़े लेवल के, कि इस ठेकेदार को समझाया जाए कि इस रोड पे किस तरीके से काम करना है, बढ़िया तरीके से काम करना है। जो रोलिंग है उसको बढ़िया तरीके से करें। मिट्टी, जब इनको पैसा मिल रहा है इस चीज़ का कि चिकनी मिट्टी बाहर से लाई जाए और इस सोलिंग के लिए बिछाई जाए, तो ये इतनी घटिया क्वालिटी की यहीं के आसपास की मिट्टी को क्यों बिछा रहे हैं? कटिंग कर रहे हैं, रोडों की कटिंग कर रहे हैं, जिससे कि आने वाली बरसात में ये सारा रोड गिर जाएगा। तो ये तो हमारा ही नुकसान कर रहे हैं। घटिया क्वालिटी की मिट्टी बिछाई जा रही है, जो बिल्कुल भी सोलिंग जिससे अच्छी नहीं हो पा रही है। तो मेरा प्रशासन से और डिपार्टमेंट से अनुरोध रहेगा, बड़े बड़े अधिकारियों से और मीडिया से भी हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि इनको इस प्रकार का प्रेशर बनाया जाए ताकि इस रोड को बड़ा अच्छे तरीके से काम करे। कि बड़े मुद्दत के बाद ये सड़क मिली थी और विभाग ने जैसे तैसे करके इसे चलाया था, तो अब हमें इस बात का बड़ा दुख हो रहा है कि जो ठेकेदार यहाँ इस रोड पे काम कर रहा है, उसके द्वारा जो पूर्व में किए गए कार्य है, वहाँ से भी जिस तरह की हमें सूचनाएं मिल रही है, कोई भी कार्य उसका सही नहीं होता है। जैसे आपके सामने ये पहाड़ियाँ हैं, सड़क के साथ उसने कटिंग की है मिट्टी डालने के लिए, ताकि उसका पैसा बच जाए, बाद में चाहे इसमें ढंगार हो जाए, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। अपने फायदे के लिए वो पब्लिक का भी और सरकार का भी नुकसान कर रहा है। दूसरा, जो इसमें मटेरियल डाला जा रहा है उससे में हमें संतुष्टि नहीं है। हमने हर तरह से प्रयास किया है कि मौके पे आके उनसे लड़ झगड़ के भी हमने कहा है, जो ये रोड़ी बिछाई जा रही है उससे भी हम संतुष्ट नहीं है, उस पर भी रोलिंग ठीक नहीं हो रही है। हमने विभाग से बात की थी, SDO साहब से कई बार बात की, एक्शन साहब से निवेदन किया है, उनसे निवेदन किया कि आप मौके पे आओ और हमें संतुष्ट करो, लेकिन मुझे लगता है कि एक्शन साहब भी
मुझे नहीं पता कि वो किस बात से मजबूर है या उन्हें मजबूर किया जा रहा है या खुद से मजबूर है, हमें तो उन पे भी संदेह हो रहा है। कोई भी अधिकारी हमारे साथ मौके पे नहीं आ रहा है और ये काम लगातार चल रहा है। लोग बड़े परेशान है, गाँव वासियों ने कई बार उनको डिपार्टमेंट को कई बार कह दिया है। परसों भी हमको 40-50 आदमी SDO साहब के दफ्तर में थे जबकि वो मौके पर नहीं मिले। अब उसी दिन एक्शन साहब से बात हुई, उन्होंने हमें 2 दिन का टाइम दिया मांगा था हमसे, लेकिन आज 5 दिन होने के बावजूद भी वो आज नहीं आ पा रहे हैं। वो कहते थे कि आप मुझसे बात करिए, आप आगे मत जाइए। आगे तो हम कहाँ जाएंगे, हम गरीब ग्रामवासी हैं। पर ये है भाई, चलो मीडिया के माध्यम से हम चाहते हैं कि हमारी आवाज़ आगे तक जाए। जो मॉनिटर इन रोडों के लिए बनाए गए हैं, आज तक कोई मॉनिटर हमारे सामने इस रोड पे नहीं आया है। करना चाहूंगा कि वो हमारी इस आवाज को आगे तक ले जाएं और हमारी समस्या। वहीं खुलेआम ठेकेदारों द्वारा निर्माण कार्य के लिए जारी राशि को अधिकारियों की शय पर घटिया व कम सामग्री के प्रयोग का इस्तेमाल कर उसे डकारा गया है। लोग ठेकेदार पर खुलेआम नियमों को ताक पर रखकर रोड निर्माण व घटिया निर्माण सामग्री इस्तेमाल के आरोप लगा रहे हैं। रोड से आने जाने वाले राहगीरों को परेशानी भी हो रही है। रोड का निर्माण नियम अनुसार करने के लिए कई बार ठेकेदार व विभाग के अधिकारियों को कहा गया, लेकिन बावजूद इसके आज तक सुनवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने प्रदेश सरकार से आग्रह किया है कि ऐसे भ्रष्ट ठेकेदार व विभाग के वर्कर से लेकर अधिकारियों तक जांच करवाई जाए और अगर कोई भ्रष्ट पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। अब जो ठेकेदार यहाँ पे काम कर रहा है, इसी के द्वारा ये रोड को बनाया गया है, लेकिन इस ठेकेदार ने क्या किया कि पहले भी रोड बनाया तो मलबे को जो है ना डंपिंग साइट पे कहीं भी नहीं गिराया, रोड के साथ ही जैसे देखा वैसे अपना मशीन से ब्लेड लगाया और साइड में फेंक दिया, जिसकी वजह से कि कुछ गाँव को ऐसा नुकसान हुआ है कि पोक्का के जो बटरोग वगैरह गाँव है सारा का सारा मलबा उसमें चला गया और कम से कम ज्यादा नहीं होगा तो 50-60-100 बीघा जमीन नुकसान हुआ है, जो किसी काम लायक खेती लायक नहीं रही जमीन, और साथ में 10-15 मकान भी इसकी चपेट में आए हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि मीडिया हमारी इस आवाज़ को दूर तक पहुंचाए, आगे तक ले जाए और डिपार्टमेंट से भी गुजारिश करे कि इनकी समस्याओं को सुने और इनका समाधान किया जाए। यही हमारी